नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और हाँ, पाठशाला वेब सीरीज आप देखते भी होंगे। और दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी खास है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी देखने के लिए बताइए यादों की पाठशाला। जाओगे। सजनी घर आए, सजनी भी घर आए, दुल्हन शर्माए। क्या दुल्हन शर्माए? क्या दुल्हन शर्माए? साले प्रकाश, इस इडली की वजह से मैं अपना मुंह किसी को दिखाने लायक नहीं रह गया। इसकी फेस पैक की वजह से मेरा मुंह काला पीला नीला हो गया। अब मेरी मधु मेरी तरफ कैसे देखेगी? उस दिन मैंने आपसे कहा था भाई कि इस मोटे पे भरोसा मत करो, लेकिन आप हो कि सुनते नहीं। अब भुगतो। उस दिन क्या कह रहे थे? बड़ा जलता है तू मुझसे। अब मैं जलूंगा आपसे? आप तो मेरे बड़े भाई हो। अयो रामा पाप, विक्रम भाई, मैंने तो आपका चेहरा चमकाने में मदद की है। मुझे क्या पता आपके चेहरे को एलर्जी है। साले, ये चेहरा चमकाया तूने मेरा? ले प्रकाश, ले इसको, ले मर 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 सॉरी को मर 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 सॉरी सॉरी। क्या बच्चे, मेरा चेहरा खराब किया तूने, मेरा चेहरा खराब किया। वे कोई देखे इससे पहले क्लासरूम में चलते हैं चेहरा छुपा के। कोई देखे, सब देख लेने वाले हैं अब। अबे क्लासरूम में तो चल पहले। भाई आप लाल टमाटर जैसे लग रहे, लाल लाल। चुप बैठा, मैं तो तेरे बैंगन का भरता बना दूंगा। प्रेम, वो देख सामने विक्रम। जी घर आए सामने। लेकिन यार ये ऐसे लड़कियों की तरह मुंह क्यों छुपा के जा रहे? शायद किसी ने इसकी इज्जत लूट ली हो। तो चल फिर, हम भी उसकी बची कुछ इज्जत लूट लेते। मौके पर चौका मारना तो कोई तुझसे सीखे। चल चलते हैं। चल जल्दी चल। अरे रुको 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 रुको, क्यों विक्रम भाई, का मुंह काला करके आयो? जो ऐसे छुपे छुपे इधर उधर घूम रहे हो स्कूल में? अबे साले, अभी नहीं वरना तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। ए प्रकाश, सस्ती चीजों का शौक तो हमें भी नहीं है, समझा? ए प्रेम भाई को चिढ़ा मत, पहले से ही उनका चेहरा लाल हो चुका है। ए हट बे। प्रेम, इसका थोपड़ा तो देख। आयो, अरे सड़े हुए टमाटर के जैसे लग रहा है ये तो। मुंह काला करना तो सुना था, लेकिन मुंह लाल करना देख लिया। एकदम लाल बंदर की तरह लग रहा है आज। ए प्रेम, चुप बैठ वरना इतना मारूंगा कि मुझसे भी ज्यादा तेरा चेहरा लाल कर दूंगा। निकल यहां से अब। अबे साले, तेरी औकात नहीं है मुझे पीटने की, हाथ तो लगा के दिखा। अगर नहीं तेरे चेहरे का नक्शा बदल दिया ना, तो नाम मेरा प्रेम नहीं, समझा क्या? ए प्रेम, अब नहीं भाई। अपने वो कहावत तो सुनी होगी कि हर कुत्ते का दिन आता है, आज इन कुत्तों का दिन है। लेकिन भाई अपना टाइम आएगा। तू नंगा ही तो आया है क्या? घंटा लेकर जाएगा। ए प्रेम, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा,
ये सब कांड इस मोटे की वजह से हुआ है। पहले इसे देखता हूँ फिर तुझे देखता हूँ। साले इडली तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या क्या अजीब नमूने साले। हम भी निकलते। चलो सभी अपने अपने साइंस की किताबें निकालो। निकाले तो बच्चों आज हम एक्शन और रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया होने के बाद पदार्थ में क्या बदलाव आते हैं और उनकी क्या रिएक्शन होती है, इसके बारे में आज हम विस्तृत से जानेंगे। सर मतलब वैसे ही ना कि जैसे चेहरे पर कुछ भी लगाने पर चेहरा लाल हो जाता है। ए शिवा क्या बोल रहे तू, कुछ भी बकता रहता है हमेशा। सर बकवास नहीं, सच में मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखा सकता हूँ, है ना विक्रम। अबे साले शिवा अभी भी कह रहा हूँ मुझसे पंगा मत ले। ए विक्रम ये क्या हुआ तुम्हारे चेहरे को, ये क्या हुआ तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों दिख रहा है सर? लगता है काले को गोरा करने में लगा था। साइंस के मुताबिक एक्शन का रिएक्शन हो गया। चेहरा गोरा तो नहीं हुआ लेकिन लाल जरूर हो गया। अरे क्या विक्रम हा? पढ़ाई छोड़कर ऐसी उठपटान बातें करते रहते हो, हरकतें करते रहते हो। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, क्या बनाया अपने थोबड़े को? सर मैं अरे अब लड़के भी फेस पैक लगाने लगे क्या? सर विक्रम को लड़की का दिल जो जितना है ना, लेकिन क्या करे सर उसका मुकड़ा इतना खराब है कि उसके मुकड़े की तरफ देखकर कोई लड़की पड़ती ही नहीं, इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा ना सर। सर इस शिवा को चुप बैठने के लिए बोलो, ये कुछ भी बोले जा रहा है। शिवा तुम चुप बैठो। अरे तुम तो कुछ कहो ही मत, पढ़ाई छोड़कर कुछ भी उठपटांग हरकतें करते रहते हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ गोरे गोरे मुकड़े पे काला काला चश्मा, नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी, काले काले मुकड़े पे लाल लाल धब्बा, काले काले मुकड़े पे काला काला धब्बा। अबे साले तू मुझे स्कूल के बाहर मिल फिर तुझे दिखाता हूँ। हाँ तो डरते हैं क्या तुझसे, मिल लेंगे, चल चल बे आगे देख। ए गधो बस करो हैं, लगे अपनी नालायक बातें करने, पढ़ाई पे ध्यान दो। भाई आज तो इनकी औकात इन्हें दिखाई देते हैं। इनकी नानी याद दिला देंगे, सालों को मैं छोड़ूंगा नहीं। तेरी वजह से हुआ है ये सब मोटे। अबे इस साले को क्या हुआ है? कहीं हम उसके घर गए थे, ये तो इसने सर को तो नहीं ना बताया होगा। शिवा इसकी शक्ल देखकर ही पता लग रहा है कि ये कोई बड़ा खेल खेल रहा है। अब तैयार है ना पिटाई खाने के लिए? इसे तुम मैं नहीं छोड़ूंगा, पुनौती है साला। क्या चल रहा है तुम दोनों का? अरे कुछ तो शर्म करो, इतने बड़े होकर छोटे बच्चों को मारते हो। सर आप उसके उम्र पर मर जाओ, उसके अंदर बहुत सारे कीड़े भरे हुए, साला कमीना। सर हमने इसे नहीं मारा बल्कि ये खुद हमें परेशान करता है। झूठ बोल रहे हैं सर, ये दोनों ने मुझे बहुत मार मार रहे हैं और बहुत जोर जोर का मार रहे हैं। हमने मारा और तू मार खाता गया? नहीं सर। और ये भी नहीं सर, उनने आपका बाइक का हवा भी निकाल दिया था। जब मैंने उनको बोला कि मैं जाकर यादव सर को ना आपका नाम बता दूंगा तो उनने मुझे बहुत मारा। अरे मैं कितना मासूम सा बच्चा, इतना गरीब हूँ, किसी से झगड़ा नहीं करता। अरे रो मत प्यारे बच्चे, रो मत, देखो कितने आंसू आ रहे बच्चे को। अब तुम लोगों ने बाइक की हवा निकाली थी, इसकी वजह से रेशमा मैडम मेरे को छोड़ के चली गई, उसका क्या? बस।
माँ की याद डर गया मैं। बहुत हो गया, तुम लोगों की वजह से छोटे बच्चे स्कूल में आने से डरते हैं। यादव सर, हाँ सर, इनके पेरेंट्स को बुला लो। हाँ सर, उनसे बात करते हैं। नहीं 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 सर, सर ऐसा जुल्म मत करो। मेरी माँ आने पर मेरा तो छोड़ो, लेकिन वो आपका भी हाल बुरा कर देगी। हाँ सर, इसकी माँ फूलन देवी से भी खतरनाक है। हाँ सर, मेरे पापा भी मेरे माँ के सामने बोलने से बहुत डरते हैं, उनकी फटती है सर। और अगर सर मेरे पापा को पता चला ना कि यादव सर हमें लड़की देखने के लिए बोलते हैं, तो मेरे पापा बहुत गुस्सा करेंगे। यादव सर, नहीं सर, ये झूठ बोल रहे बच्चे, ये बड़े चालू बच्चे हैं सर, ये झूठ बोल रहे सर ये। अरे मेरे बारे में भी तो कोई बात करो, ये दोनों मेरे को इतना मारे, अगर इनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिली तो मैं कल से स्कूल नहीं आऊंगा, जाकर पापा को भी बता दूंगा। यादव सर अब आप ही कुछ कीजिए। जी सर। ये बात स्कूल से बाहर नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल नहीं जाएगी सर, मैं ही कुछ करता हूँ। ए तुम दोनों, छोटे बच्चों को मारते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी वजह से छोटे बच्चे स्कूल में आना बंद कर देते हैं। तुम चलो मेरे साथ। चिल्ला मत सर, आप चिंता मत कीजिए, इन दोनों को मैं अच्छे से सबक सिखाता हूँ। यादव सर कहते हैं मुझे भी, क्या कहते हैं मुझे? अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई, मेरी बीवी की सुरीली आवाज मुझे सुननी है। बीवी की आवाज सुनेगा? बीवी की आवाज सुनेगा? मत खींचे कान, वरना मैं सुन नहीं पाऊंगा। अरे आवाज, अरे शिवा सुधरोगे नहीं तुम, बिल्कुल भी। देखो प्रेम और शिवा, तुम दोनों इतने छोटे बच्चों को मारते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? चलो आज के लिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, अपनी क्लास में जाके बैठो और पढ़ाई पे ध्यान दो, साइंस के 2 चैप्टर लिख के लाना। चलो निकलो। यश तुम तुम्हारे क्लास में जाओ। जी सर। ये छोटा पैकेट, तुझे तो मैं अभी देखता हूँ, तू रोक। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। तुम्हें बड़ा शौक था ना मेरे घर में घुस के देखने का, अब भूख तो भड़वा गई का। अगर तू मेरा साला नहीं होता ना, तब देखता तुझे तो। मुझे बाद में देख लेना बच्चे, अब आगे क्या होगा पहले तू वो देख। चल निकल। ए क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है? और तुम दोनों अभी तक यहाँ पे हो? सर इन लोगों ने मुझे बहुत मारा, और इन लोग बोल रहे थे कि ये धमका रहे थे कि कल तुम्हें और मारेंगे। नहीं 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 सर, बोल रहे थे कि अगर आने आए तो तुमको घर पे घुस के मारेंगे। फिर घुस के मारेंगे सर? अगर इन लोग कुछ बोले सर। नहीं नहीं, चलो तुम मेरे साथ चलो। यश तू तेरे क्लास में जा, तेरे क्लास में जा। जी सर। हाँ जी, कितनी धूप है, बहुत धूप है। ये मधु से मिलने जाने का आइडिया भी तेरा ही था, अच्छा बदला लिया साले ने। हाँ मैंने कहा और तूने मान लिया ना? ना नहीं बोल सकता था क्या? तुझे ये आ कैसे इतनी थी उस मधु को देख देख कर, बड़ी बाहों में लिपट रहा था उसके। हाँ और मेरी गाड़ी आगे बढ़ती उससे पहले तुम दोनों ने आकर उसे ब्रेक लगा दिया। बस 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 बस, अब और नहीं भागा जाता, पैंट के लिए हो जाएगी, इतनी जोर की लगी है। शिवा बिल्कुल भी मत रुक, अगर उस यादव ने देख लिया ना तो जरूर कुछ बवाल खड़ा करेगा। बवाल हो जाए या फिर भूचाल आ जाए, अभी शिवा नहीं दौड़ेगा, तुझे दौड़ना है तो जा दौड़ तू। शिवा मैं तेरे साथ रहकर हमेशा फंसता हूँ, चल अब जो होगा वो देखा जाएगा। चल चल। हाँ चल। अरे अब उधर किधर जा रहा है?
मन में लगी आग को उस यादव सर के बाइक पे मूत्र विसर्जन करके शांत करूंगा, हल्का करूंगा। लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो? देख लिया तो उस यादव सर के मुंह के ऊपर मुतूंगा ऐसे। लेकिन अब जाऊंगा जरूर और उसके बाइक पे मुतूंगा। ठीक है, अब इतना सब कुछ कर लिया है तो ये भी कर लेते हैं। जल्द जल्दी कर, बहुत लगी। उस साले शिवा और प्रेम ने आज मेरा मजाक उड़ाया है। छोड़ूंगा नहीं उन सबको, अच्छे से सबक सिखा के रहूंगा। हाँ भाई, बहुत चर्बी चढ़ी उन सालों को, बहुत गुदगुदी हो रही है ना। उन्हें इस बार दिखा देते कि हम चीज क्या है। साले, इस बार भाई कुछ ऐसा ढांसू सोचो कि उनकी वाट लग जाए। लल्लू हो तुम दोनों, लल्लू। ए छोटे, भाई को कुछ मत बोलना। छोटे किसको कह रहे? उम्र में छोटा हूँ, अकल से नहीं। तुम्हारा दुश्मन हुआ मेरा भी दुश्मन, तो दुश्मन दुश्मन दोस्ती बन जाते हैं। देख, हमें कोई एतराज नहीं है दोस्ती करने में, लेकिन उस साले प्रेम से बदला ये विक्रम लेगा। उस प्रेम का तुम अचार डालो, मुझे क्या, मुझे तो बस उन दोनों को रोते हुए देखना है। और उसने मेरे घर में आके मधु दी के साथ। तेरी दीदी के साथ? क्या क्या उसने मधु के साथ, बता जल्दी। भाई आप तो लुट गए सिंदूर पोचो, चूड़ियां फोड़ो, आप बर्बाद हो गए। ये कैसे हुआ मधु भाभी, शादी से पहले ची 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 ची। अब मेरे विक्रम भाई की तरफ कौन देखेगा? विक्रम भाई आप किसे पटाओगे? क्या रे छोटे? अबे साले, जुबान को थोड़ी लगाम, वरना प्रेम से पहले मैं तुझे ही नंगा करके ना गांव में दौड़ा दूं। कूल डाउन यश, कूल डाउन। अब हम एक नहीं दो है। उस साले प्रेम और शिवा को मैं सबक सिखा के ही रहूंगा। वो सब ठीक है, मगर तुम इतने लाल क्यों दिख रहे हो? कुछ लड़के जैसे काम तो नहीं करते हो? ए, तो अपने काम से काम रख, ज्यादा पूछताछ करने की जरूरत नहीं, समझा? चल हट, चल प्रकाश। ये दोनों एक नंबर के पागल हैं, लेकिन मुझे क्या, मरने दो ये दोनों। बच्चों, आज हम भारत के नदियां और उनके उगम के बारे में पढ़ेंगे, ओके? यार, दिल तो करता है उस यादव सर को बाजू में हटा के अपनी ही सिटी में सुरेश मैडम से कर लो। कुछ भी मत बोले जा, तुझे लगता है वो इसका दीवाना साइड में बैठेगा? अबे कुछ भी नहीं सच में, लेकिन वो क्या है, वो तेरी मॉडर्न मैडम, मुझे तो चाहिए सीधी सी गांव की छुरी, वरना कब की तेरी भाभी बनाकर उसे बुलेट पर घूमता धा 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 धा, और बाद में ब्रेक मार तो फिर पीछे से आती मुझे से चिपकती। ओह शिवा, बहुत मजा आता यार। क्या चल रहा है शिवा, उठो। तुम बताओ कि गंगा कहां से निकलती है और कहां जाती है? आसान सवाल है, एकदम आसान सवाल, यू आंसर दे दूंगा मैडम। वो क्या है ना, गंगा घर से निकलती है, लेकिन वो घर के पास के
डाला आपके पास रखते और फिर मारो से उठन बोल करके फिर खुल जाती है। हाय मेरा शिवा, आज फिर पिटेगा। शिवा शांत बैठ, कुछ भी बोले जा रहा है। अरे सच में? हाँ मैडम। अरे बेवकूफ, क्या बोल रहे हो? बक नहीं रहा मैडम, सच में आपको नहीं पता? मैडम वो गंगा है ना, आठवीं के क्लास की, लेकिन बड़ी चालू चीज है। हाँ आपको टाइम मिलेगा ना तो आप मारना मेरे साथ, मैं आपको उनका मोटर को दिखाता हूँ। वो बहुत देर तक करते, उनका स्टैमिना कैसे है क्या पता इतना। शट अप, अगर पढ़ाई नहीं करनी है तो बाहर निकलो। क्या मैडम, आपको गुटर को करने आया था इसलिए इतना चिढ़ रही हो, मुझे पता है। उस यादव सर से दूर रहना, अपने आप सीख जाओगी, क्योंकि उसकी बैटरी डाउन है ना। शट अप, यू गेट आउट, निकलो बाहर। क्या ये भाई, इसके पैदा होने के टाइम क्या इसके घर के ऊपर से अंग्रेजों का प्लेन गया था क्या, जो इतना अंग्रेजी झाड़ती है। I said get out. हाँ जाता हूँ ना, मुझे कि यहाँ बैठने का बड़ा शौक है क्या, यहाँ बैठने से अच्छा मैं तालाब के पास उस गंगा और मालव का गुटर को देखता हूँ, मजा आता है। लगता है आपकी भी बैटरी डाउन है। अरे ये पागल चुम्मे ले लेकर किस पर प्यार लुटा रहे हैं? शिवा देखना तो पड़ेगा। हाय मेरी प्यारी, मेरी प्रियतम माँ, अब तुम्हारे बिना तो मुझे नींद भी नहीं आती। आज से खासे तो दिन रात सिर्फ जोर जोर से खराटे मार मार के सोते रहते हो। नहीं, वो मेरे दिल की आवाज है जो तुम्हारे लिए धड़कती है, तुम्हारा गुणगान गाती है। अच्छा, इसके लिए धड़कन धड़कती है? तो फिर वो तुम्हारी गीता नाम की बीबी है, उसके लिए क्या धड़कता है? लीवर जो बाहर आने के लिए ऐसा धड़कता है। तुम यहाँ कैसे? और ये जो दूसरों की बातें चोरी चोरी सुनना अच्छी बात है? अच्छा, और तुम जो हमारे ऊपर नजरें जमाए बैठते हो उसका क्या? बोलो बोलो बोलो। देखो शिवा, जो भी है शिवा, जो भी सुना है ना वो मेरे बीबी को मत बताना। क्या है ना, मेरे छोटे छोटे बच्चे, अगर तुमने मेरे बीबी को बता दिया ना तो मेरा संसार उजड़ जाएगा। शिवा मत बताना। अच्छा अच्छा, ठीक है माफ कर देता हूँ तुम्हें। लेकिन मेरा एक काम करना होगा। काम? आप कौन सा काम? पापा, लेकिन किसी को पता चलेगा तो? किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, तुम बस अपनी वो भूलने की एक्टिंग करो, तुम तो यू कर लोगे। करोगे या नहीं, या फिर बताओ सारे बच्चे को ने, 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 और स्टाफ को। शिवा करता हूँ मैं, चलो मैं चलता हूँ। ठीक है, हाँ काम जरूर करना पड़ेगा नहीं तो। ठीक है हे भगवान, कहाँ फंसा दिया, क्या होगा। सालो, बहुत हँसी आ रही थी ना, अब दिखा, अब दिखा, बड़ा शाना बन रहा था ना, अब दिखा इसके राधे कहीं क्या। शिवा मैंने सुना था झुंड में तो कुत्ते आते हैं और शेर अकेला आता है, और आज देख भी लिया। ना ना प्रेम, कुत्ते भी तो वफादार होते, झूठ बोलकर किसी को फंसाने वाले कुत्ते के भी लायक नहीं होते। मेरा छोड़, तू अपना देख, जब यश भाई और विक्रम भाई एक हो चुके हैं तो तुम दो कुत्तों का
क्या होगा? वही होगा जो हमने सोचा था। क्यों प्रेम? प्रेम भाग! अरे पकड़ो सालों को! अरे पकड़ो! अरे अरे उधर इसको पकड़! अबे रुक साले! अबे साले रुक! तुझे तो मैं पकड़ के दिखा। अबे रुक! शिवा अबे अबे एक्शन का टाइम है, मुझसे और भागा नहीं जाता। तो फिर चलो। अरे किधर गए? अरे पकड़ो उनको! अरे कहाँ पे गए? अरे रुको, कहाँ पे गए साले? रुक रुक! अबे कहाँ गए वो? कहाँ गए? कहाँ गए? कहाँ पे गए? ढूंढो सालों को। अबे अबे दरवाजा खोल! अरे अरे अबे दरवाजा खोल साले! आए थे हमें मारने, अब खुद ही बंद हो गए। अब बैठो अंदर, लुप्पा छुप्पी खेलते खेलते। अबे साले शिवा दरवाजा खोल, नहीं तो बहुत पिटेगा। अबे छछुंदर ये डायलॉग तेरे पास ही रख कुत्ते। वैसे विक्रम हर कुत्ते का दिन आता है और आज तेरा दिन आया है, अब इस क्लासरूम में बैठ के मार मच्छर। ए दरवाजे खोलो वरना पापा को बोल दूंगा, पापा को बता दूंगा। ए पापा के पिल्ले चुप बैठ, अब हम कुछ नहीं खोलने वाले। बैठो अब अंदर, हम तुम एक कमरे में बंद हो और तभी खो जाए। चल शिवा। अबे खोलो साले! अबे अबे साले शिवा दरवाजा खोल खोल! ओए प्यारेलाल उसको ठीक 2 घंटे बाद छोड़ देना, वरना तुम्हें याद है ना मैं क्या करूंगा, तुम्हारे बाहर वाली का घर वाली को बता देंगे और घर वाली का बाहर वाली को। नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तुम किसी को कुछ मत बताना। शिवा ने एक बार कहा तो कहा, दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। हटो हटो। अरे प्यारे लाल दरवाजा खोल! अबे प्यारे लाल खोल दरवाजा! अबे सो गए क्या? अबे साले खोल ना! ए बेवड़े खोल! अबे क्यों गला फाड़ रहे यार, कहा ना 2 घंटे के बाद दरवाजा खुलेगा। खोल खोल! अबे खोल ना! अबे प्यारे लाल खोल ना दरवाजा जल्दी, नहीं तो तुझे बाहर आने के बाद देख लूंगा साले। खोल दरवाजा खोल खोल खोल! इसके माँ का अबे कहा था ना दरवाजा नहीं खुलेगा। हाँ क्या दरवाजा तोड़ने का इरादा क्या क्या? दरवाजा तोड़ने का इरादा नहीं था, अब तुझे तोड़ने का इरादा है। मुझे तोड़ेगा तू? अब साले बैठ, 2 घंटे तक अंदर बैठ। हाँ। फिर तुझे समझ में आएगा, तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ, पहले उस शिवा और प्रेम का पत्ता कट करते हैं। विक्रम जोर से नहीं होश से काम कर, उस प्रेम की कमजोरी मेरी बहन है, अब तू तो मेरा दोस्त है, तू तो मेरे घर पे कभी भी आ जा सकता है। कुछ समझ आया भाई? इस छोटू के बात में दम है।
हम है बाकी सब पानी कम है। अब उस शिवा और प्रेम को दिखाना पड़ेगा। अगली बार जिद भी मेरी होगी और पट भी मेरा होगा। अरे ओ गजनी के आमिर खान, मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे भी लेके चलो। भाई ये चिरकुट कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, क्यों ना उसकी बोलती बंद कर दो। अबे वो साला मधु का भाई है, वो कड़वा करेला है, उसे गन्ने का जूस समझकर हमें पीना है, समझे? हाँ। या समझाओ? नहीं समझ गया, पर मुझे दो ग्लास। क्या दो ग्लास? अभी आप बोले ना गन्ने का जूस पीना है तो मुझे दो ग्लास। मुझे भी दो ग्लास। पूरे के पूरे बेवकूफ मेरे साथ ही क्यों आते हैं? मेरी शादी है क्या जो सबको गन्ने का जूस पिलाता फिरू? क्या मेरे बाप ने होटल निकाला है क्या? हाँ अंकल ने नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आपने बताया नहीं भाई आपसे। मुझे भी नहीं बताया आपने। कंट्रोल कंट्रोल विक्रम कंट्रोल यार, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, सिर्फ मधु नहीं है। हाय हाय अमित बच्चन, इसकी वजह से इसको झेलना पड़ रहा है। प्रकाश साइड में आ जा, मुझे उससे कुछ गुप्तगु करनी है। गुप्तगु? अबे बात करनी है। बात कर। हट। जूस पीना है। यश अब तू मेरा दोस्त बन गया है, चल तुझे गन्ने के जूस से नहलाता हूँ। कितना क्यूट है ना, कितना प्यारा है। मन तो करता है इसकी किसी ले लूं। एक किसी दे दो ना। नहीं नहीं नहीं। एक लूं। नहीं नहीं नहीं। एक एक। अरे अब हम तो दोस्त बन गए यार। एक एक। सॉरी गलती से लग गए, लग गलती से मार दिया आपको। सॉरी सॉरी लो 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 ना पप्पी लोगे? मैं नहीं ले लो। अरे अरे भाई लो। नहीं यश दूर से ही तो अच्छा है। नहीं नहीं बात से लो भाई, आपका साल लें दे। गन्ने का जूस पीना है कि क्या बोला तूने? गन्ने का जूस पीना है, चल मैं दो ग्लास पीऊंगा। मैं इससे ज्यादा पीऊंगा। आज का दिन तो 2020 मैच की तरह था, आधा अच्छा था लेकिन आधा बहुत बुरा था। हाँ यार अभी भी हाथ में दर्द हो रहा है, कुछ कर भी नहीं पा रहा। पर प्रेम कुछ भी कहे यार, जो मजा यादव सर के गाड़ी पे सुसु करने का आया ना, वो मजा ऐसे बाथरूम में टॉयलेट में नहीं मिलता ना। हाँ यार पूरे दिन अपने घिसे पिटे जोक सुनाकर हम बच्चों पर अत्याचार करता रहता है। अरे अत्याचार नहीं, अत्याचार नहीं, बलात्कार बोल बलात्कार, हमारे कानों पे बलात्कार करता रहता है हर वक्त वही, और वो कविता कविता शेर इन सब की तो वाट लगा देता है। वो तो अच्छा है उसे मराठी नहीं आती, वरना मराठी की भी माँ बहन देख कर देता। वैसे शिवा तेरी हिंदी अच्छी है क्या? हाँ। तो फिर तुझे बलात्कार का भी मतलब पता होगा? नहीं हाँ। फिर ना कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचा कर, बेलिट केयर। अब वो सब छोड़ और मेरी बात ध्यान से सुन, अब हमें ज्यादा सतर्क रहना होगा क्योंकि विक्रम और मेरा साला एक हो गए हैं और उन दोनों में कुछ ज्यादा ही कीड़े हैं। हाँ और अब वो उछल उछल कर बाहर आएंगे। मधु तो मेरी ही है,
और अब उस विक्रम को रास्ते से कैसे हटाना है वो सोचना पड़ेगा। विक्रम को रास्ते से हटाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उसे सिर्फ किसी दूसरे में उलझाने की जरूरत है। तुझे समझ में आ रहा है कि नहीं? ए, ए। मतलब अन्वेषा। हाँ यार, अब अन्वेषा ही है जो ये काम कर सकती है। अब अन्वेषा और विक्रम की केमिस्ट्री तो शिवा और प्रेम ही बनाएंगे और उसमें रंग भी वही लाएंगे। सही पकड़े हो। पकड़ने ही कहाँ दिया, जब मधु थोड़ी सी करीब आई, बस इतना सा गैप था, तब तो तुम दोनों आ टपके। मेरी मधु, मधु। ए, चुप चुप बैठ। चल अब मैं निकलता हूँ, वरना वो तेरा खड़ूस बाप आ जाएगा और मुझे पकड़कर इसे पकाएगा, बहुत सारा पकाएगा। उससे पहले तो मैं तो निकला अपनी फूलन देवी जैसे माँ के पास। हाँ ठीक है, लेकिन संभल कर जाना, अगर किसी चुड़ैल ने तुझे दबोच लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तक ऐसे मिली नहीं, और अगर मिली भी तो मेरे साथ टिकेगी नहीं, मुझे पता है। तो ठीक है, चलता हूँ मैं, बाय। अबे हाथ दुख रहा है। हाँ हाथ दुख रहा है, वैसे अच्छा लगता है दबाने पे। चल जा, सो जा, मैं भी चला जा। ए प्यार, तूने क्या किया, अच्छा खासा जी रहा था और मधु से मिला दिया, हीरो कम और विलेन ज्यादा बना दिया।